रचना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और अभी मैं आई हूँ कामाख्या शक्तिपीठ में। कामाख्या शक्तिपीठ जो कि असम राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित है, और जैसा कि आपको पता होगा भारत में टोटल 51 शक्तिपीठ हैं और उसी में से एक जो शक्तिपीठ है वो है कामाख्या शक्तिपीठ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ माँ कामाख्या जी के दर्शन। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ फ्लैशबैक में और जरूर बताना चाहूंगी कि कैसे फाइनली मैं पहुंची थी कामाख्या तक। आज है संडे और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मुझे ऑफिस भी जाना है, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है उसमें वीक ऑफ मंडे को होता है, तो इसलिए मैंने घूमने का प्लान मंडे का बना रखा है। तो आज शाम में मेरी ट्रेन है फ्रॉम कटिहार, तो मुझे पूर्णिया से पहले कटिहार जाना होगा, फिर वहाँ से ट्रेन लेनी होगी, देन कामाख्या। फिर ऑफिस आने के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पैकिंग का, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊँगी। एंड ट्रिप पर मेरे साथ मेरी मम्मी भी जा रही है, तो नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी की ट्रिप को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करूँ। फिलहाल हमें बैग पैक करना है, चलिए थोड़ा सा बैग पैक करती हूँ फिर ऑफिस आती हूँ। ऑफिस आने के बाद फिर मैं निकलूँगी कटिहार के लिए। रेलवे स्टेशन और फिलहाल मुझे यहाँ से ट्रेन लेनी है कामाख्या की। तो एक्चुअली प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि इन द बिगनिंग मैंने जो ट्रेन की बुकिंग करी थी वो करी थी कटिहार से कामाख्या, लेकिन वो ट्रेन मेरी मिस हो चुकी है और मेरी मम्मी वाज लाइक कि उनको मम्मी को कामाख्या ही जाना था, तो आई ट्राई टू कन्विंस माई मदर कि चलते कहीं और जगह घूम लेते हैं, बट सी वाज लाइक नो आई हैव टू गो टू कामाख्या ओनली। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन यही था कि नियर बाई रेलवे स्टेशन से अगर गाड़ी मिल रही है तो देन मुझे वो गाड़ी लेके और कामाख्या जाना है। तो जब मैंने सर्च करा तो मुझे दिखा कि किशनगंज से ट्रेन अवेलेबल है अप टू कामाख्या। तो फिलहाल मैं कटिहार से लौट के पूर्णिया आई, मतलब मेरी जो जर्नी की शुरुआत हुई थी वो पूर्णिया से कटिहार हुई थी, लेकिन क्योंकि कटिहार में मेरी ट्रेन मिस हो चुकी थी तो मैं कटिहार से वापस पूर्णिया आई, देन वहाँ से किशनगंज, और अभी यहाँ से टिकट तो मैंने ले रखी है बट जस्ट विश कि ट्रेन जल्दी आए और हम लोग यहाँ से निकल के पहुँचे कामाख्या। लेट्स सी कितने देर में ट्रेन आती है। किशनगंज से जो मैंने ट्रेन ली थी वो भी ऑलमोस्ट 4 घंटे लेट हो चुकी थी और हमें सुबह के 10 बजे पहुंचना था कामाख्या, और ट्रेन लेट होने की वजह से 1 बजते हम लोग फाइनली पूरे ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करते हुए पहुंचे कामाख्या रेलवे स्टेशन। और फाइनली अभी मैं पहुंच चुकी हूं कामाख्या रेलवे स्टेशन और मैं यहां से अभी बाहर निकल रही हूं, क्योंकि बाहर से जो गाड़ियां हैं वो जाती हैं आगे मंदिर की तरफ, तो आई एम गोइंग। जैसे ही आप कामाख्या रेलवे स्टेशन के बाहर आओगे, यहां से कामाख्या मंदिर जाने के लिए बहुत सी प्राइवेट गाड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन कुछ बसेस भी चलती हैं जो कि आपको कामाख्या देवी के मंदिर तक पहुंचाती हैं, लेकिन उस बसेस को पकड़ने के लिए आपको बस स्टैंड जाना होगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बस स्टैंड जा सकते हैं, वरना आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट गाड़ी लीजिए। जब आप बस स्टैंड की तरफ जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारे मार्केट हैं, तो इन मार्केट से क्रॉस होते हुए मैं भी बढ़ रही हूँ आगे बस स्टैंड की तरफ, और सामने मुझे दिख रही है कुछ बस, उम्मीद है। कामाख्या का जो मुख्य मंदिर है वो पहाड़ी पे स्थित है, तो जब आप कामाख्या बस स्टैंड से बस लोगे तो ये बस आपको एक द्वार बना हुआ है उसी द्वार के पास ये बस आपको ड्रॉप करेगी, और उसके बाद यहाँ जब आप द्वार के पास पहुँचोगे तो यहाँ आसपास काफ़ी सारे वैन्स लगे हुए होंगे, जो मैजिक वैन्स है वो आपको फिर ऊपर पहाड़ी पे ले जाएगी जहाँ पे मुख्य मंदिर स्थित है। आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं यही है मंदिर जाने का रास्ता, और यहाँ पे जो मैजिक वैन्स लगी हुई हैं
सो अभी हमें इसी से अंदर मंदिर कुछ ऊंचाई पे स्थित है, तो वहाँ पे अभी हमें जाना है। यहाँ से जो आप मैजिक वैन लेते हो ये लगभग 15 से 20 मिनट में आपको टैक्सी स्टैंड पहुँचा देगी। और क्योंकि जो कामाख्या मंदिर है वो नीलांचल पर्वत पे स्थित है, तो बीच जब आप रास्ते में जाओगे ना तो रास्ते में अच्छे अच्छे व्यू भी नजर आएंगे। और ये है टैक्सी स्टैंड, यहीं पे अभी वैन रुकेगी और यहाँ से फिर रास्ता स्टार्ट होता है मंदिर जाने का। हालांकि यहाँ से भी आपको बहुत छोटे छोटे गाड़ियाँ मिल जाएंगी और वो ये कहेंगे कि चलिए आपको मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि यहाँ से आप पैदल ही मंदिर तक जाएं, क्योंकि पूरे रास्ते में आपको छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। जब आप मंदिर के करीब पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक हॉल जैसा बनाया हुआ है और उस हॉल का नाम है अन्न सेवा क्षेत्र। यहाँ पे प्रतिदिन माँ कामाख्या ट्रस्ट के थ्रू भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। तो लगभग 150 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप माँ कामाख्या के मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। हालांकि जब आप सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो सीढ़ियों के दोनों साइड आपको फिर से बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप प्रसाद के रूप में कुछ पेड़ा ले सकते हैं। यहां का जो फेमस प्रसाद है उसमें आपको पेड़ा दिखेगा, तो पेड़ा ले सकते हैं, कुछ फूल ले सकते हैं, चुनरी ले सकते हैं। और यहीं पर आप अपने जूते चप्पल उतार दें, क्योंकि मंदिर में जूता चप्पल रखने की व्यवस्था नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप पहुंचते हैं माँ कामाख्या के दरबार में। कामाख्या माता के दर्शन करने के लिए दो तरीके की लाइनें लगती हैं। एक जो लाइन है वो जनरल लाइन होती है, मतलब इसमें कोई भी लग सकता है, और एक जो होती है वो वीआईपी लाइंस होती है। तो बेसिकली वीआईपी लाइंस उन लोगों के लिए होती हैं जिनको जल्दी में माता जी के दर्शन करने होते हैं। उसके कुछ चार्जेज होते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, आई थिंक 500 पर पर्सन उनकी चार्जेज होती हैं। तो अगर आप जल्दी में हैं या फिर अगर आपके पास वक्त थोड़ा सा कम है तो आप वीआईपी लाइंस में लग सकते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और मुझे उम्मीद तो नहीं है कि आज हमें माता जी के दर्शन हो पाएंगे, बट स्टिल वी आर गोइंग इन टू द लाइन और हम लोग अभी लाइन में लगने जा रहे हैं, देखते हैं। चाहे आप वीआईपी लाइन में जाएं या फिर आप जनरल लाइन से जाएं, मंदिर में जाने से पहले आपको अपना बायोमेट्रिक्स करवाना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड को सबमिट करना होता है। तो जैसे ही आप अपना आधार कार्ड सबमिट करोगे, वहाँ पे काउंटर पे जो लोग बैठे हुए होते हैं वो आपकी चेक इन करते हैं और उसके बाद फिर आप लाइन में एंट्री करते हो। और जैसा कि आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और उम्मीद है कि 4 बजे गेट क्लोज हो जाएगी और जितने लोग अभी अंदर बैठे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को माता जी के दर्शन करवाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितने बजे तक हम लोगों को माता जी का दर्शन हो पाता है। कामाख्या मंदिर में आपको माँ कामाख्या जी के साथ साथ और भी बहुत सारी देवी देवताओं की प्रतिमा देखने को मिलेगी। अब क्योंकि आप कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो मैं इस मंदिर के पीछे की जो पौराणिक कथा है उसे जरूर बताना चाहूंगी। ऐसी मान्यता है कि जब माता सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए थे, तो उस टुकड़ों में से जो उनका योनि था वो योनि इसी नीलांचल पर्वत पे और यहीं कामाख्या में ही गिरा था। तो इसी कारण से यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कराया गया और उस मंदिर का नाम कामाख्या देवी मंदिर रखा गया। यह मंदिर अपने तांत्रिक पूजा के लिए भी विशेष महत्व रखता है और इसके साथ ही साथ हर वर्ष यहाँ पे अंबुबाची नाम का एक मेले का आयोजन किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान जो देवी हैं उनका पीरियड्स होता है, तो उनके पीरियड्स होने की खुशी में लगभग 3 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। और उस दौरान जो गर्भगृह है उसका दरवाजा बंद रहता है, और चौथे दिन जब गर्भगृह का दरवाजा खुलता है तो जो पुजारी होते हैं वो मंदिर के अंदर से रेड कलर का कपड़ा लाते हैं और वो जो रेड कलर का कपड़ा है उसके टुकड़े करके भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में ही एक छोटी सी नदी भी है, और यूं कहे कि छोटी सी तालाब है। तो
जब 3 दिनों तक अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है, उस दौरान वो जो छोटा सा जो तालाब है उसका रंग लाल पड़ जाता है, और यही है वो वीआईपी पार्किंग जहां से मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यहां से जा सकते हैं। कामाख्या देवी मंदिर में बलि देने का भी प्रावधान है, और देवी को बलि देने के लिए भैंसे का और बकरे का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको बहुत सारे आसपास बकरे दिखाई देंगे। और अभी मैं जिस छोटे से तालाब की बात कर रही थी वो यही तालाब है। जब अंबुबाची मेले का आयोजन होता है तो ये तालाब में जो पानी है वो लाल कलर का हो जाता है। और अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, और अभी जाकर मैंने किया है माता जी का दर्शन। लगभग 2 घंटे लाइन में लगने के बाद, क्योंकि मैंने यहाँ दर्शन कर लिया है, तो मैं ज़रूर आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगी जिससे कि आपका जो टाइम है वो सेव हो सके। तो अगर आप कामाख्या सुबह में आ जाते हैं तो आप कोशिश करें कि बाकी और जो जगह हैं कामाख्या में घूमने की, तो वहाँ जाकर दर्शन कर लें, उसके बाद आप आएँ। और अप्रॉक्स दोपहर के बाद आप आके लाइन में लगें, क्योंकि क्या होता है कि सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और ऐसे में अगर आप सुबह 7 बजे भी लाइन में लगते हो तो दर्शन करते करते आपको शाम के 3 या 4 बज जाते हैं। लेकिन अगर आप लाइन में शाम के 4 बजे लगते हो तो शाम के अराउंड 5 बजे के बाद वो जो गेट रहता है वो क्लोज हो जाता है, उसके बाद किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। तो शाम में जितने भी दर्शकगण अंदर गए हुए रहते हैं उन्हीं को सिर्फ दर्शन करवाया जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप शाम में यहाँ आएँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में आपके दर्शन हो जाएँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कामाख्या मंदिर के अंदर, मतलब जहां माता जी की प्रतिमा है, वहां पे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, एंड फ़ोन ले जा सकते हो बट यू हैव टू स्विच ऑफ योर फ़ोन, क्योंकि अगर कैमरा से फ़ोटो खींचते पकड़े गए तो 21,000 का जुर्माना है। यहां की सबसे खास बात यही है कि अंदर जो प्रतिमा है माता जी की वो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का सेप है उनका, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे माँ सती का जो जेनाइटल ऑर्गन है वो गिरा था। तो इसीलिए अगर आप अंदर जाएंगे भी ना तो जो माता जी की प्रतिमा है वो उसी के आकार की बनाई हुई है और उसी की पूजा होती है। हालांकि अंदर काफ़ी अंधेरा रहता है तो आपको हो सकता है कि उनकी माता जी की जो प्रतिमा है शक्तिपीठ वो आपको अच्छे से दिखे ना, क्योंकि वो पूरे फूलों से और रेड चुनरी वगैरह से ढका रहता है। दीप जलाने के लिए एक अलग जगह है, और साथ ही साथ नारियल फोड़ने के लिए भी अलग जगह है। मतलब मंदिर में से आप देवी के दर्शन करके सिर्फ आ सकते हैं, प्रणाम करके उन्हें आइए, उनका आशीर्वाद लेके आइए, और बाहर आकर दीप जलाइए और नारियल फोड़ के फिर आप वापस जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माय कामाख्या ब्लॉग। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Oh, 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 oh